डियर स्टूडेंट्स, एक दिन की राहत के बाद 10 नए टॉपिक्स फिर से। उम्मीद है कि आपने इस एक दिन के लीजर पीरियड का भरपूर लाभ उठाया होगा और कुछ रिवीजन वर्क्स को कंप्लीट किया होगा। जो ड्यूज आपके चढ़ते जा रहे हैं उन्हें आपको उतारना चाहिए, इसलिए कि सिर्फ टॉपिक्स को कर लेना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे माइंड में बना के रखना, साथ ही रिवाइज करते रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बात को आप बिल्कुल गांठ में बांध लें कि रिवीजन वर्क साथ साथ चलने चाहिए, डेली आपके 2-3 टॉपिक्स रिवाइज भी होते रहना चाहिए। यह अलग बात है कि हम लोग लास्ट पूरा मंथ रिवीजन पे रखेंगे, यानी दिसंबर 15th ऑफ नवंबर से 15th दिसंबर के बीच हम लोग पूरा एक महीना रिवीजन पे रखेंगे। लेकिन ये तभी लाभप्रद होगा जब आप इन टॉपिक्स को अच्छे से किए हुए रहेंगे और थोड़ा सा रिवीजन भी चलता रहा होगा। तो इसे आप ज़रूर अपने स्टडी में इंक्लूड करें कि रिवीजन वर्क्स ना छूटे। आइए आज 10 नए टॉपिक्स को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन कल के जो 10 टॉपिक्स थे उससे कुछ क्वेश्चंस के जवाब आपको देने होंगे। हमारा पहला क्वेश्चन आज हिस्ट्री के गुप्ता पीरियड से। आपको हमने रूलर्स दिए थे, उम्मीद है कि आपने इसे किया होगा। तो फिर बताएं आपके किस गुप्तकालीन शासक को शक्रादित्य कहा गया है, शक्रादित्य। दूसरा क्वेश्चन इसी गुप्ता पीरियड से है, गुप्तकाल में दीनार क्या था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ज्योग्राफी से, तीसरा क्वेश्चन ज्योग्राफी से है, आपको बताना है कि सोलर सिस्टम हम लोगों ने लिया था, कौन सा प्लैनेट ग्रह है जो सूर्य का सबसे तेज फास्टेस्ट चक्कर लगा लेता है, सबसे तेज चक्कर एक राउंड मार लेता है, सबसे तेज फास्टेस्ट, ये कौन सा प्लैनेट है, इसका नाम आपको बताना है। चौथा क्वेश्चन साइंस से, आप बताएं कि केमिस्ट्री का हम लोगों ने पदार्थ की प्रकृति लिया था, नेचर ऑफ मैटर्स, साथ ही हमने कहा था कि सॉल्यूशन का पृथक्करण, जो पदार्थों का पृथक्करण है, सेपरेशन मिक्सचर का, वो किन विधियों से करते हैं, इन विधियों को भी आपको पढ़ना था, क्रोमेटोग्राफी, डिस्टिलेशन, सब्लिमेशन, ये सब आपको पढ़ना था। तो फिर आप बताएं कि वैसा मिक्सचर, वैसा मिश्रण, लिक्विड मिश्रण जिसमें टेम्परेचर डिफरेंस बहुत कम होता है, फॉर एग्जांपल पेट्रोल और डीजल को हम किस विधि से अलग करते हैं, सेपरेशन ऑफ पेट्रोल एंड डीजल किस प्रोसेस से, ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि पॉलिटी से है, आपने पॉलिटी में लोकसभा किया होगा, इसमें आपको बताना है कि 29 राज्यों में से वे भारत के कौन से 3 राज्य हैं जहां लोकसभा की एकमात्र सीट है, हर उस 3 राज्य में एक एक सीट ही लोकसभा की है, बाकी सभी राज्यों में एक से अधिक सीटें हैं, 29 में से इन 3 राज्यों में ही एक एक सीट है, तो ये कौन से 3 राज्य हैं, इसमें से कम 2 के आपको बताने चाहिए। और लास्ट आज का छठा क्वेश्चन, रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है, हम लोगों ने ट्रॉफीज, कप्स एंड ट्रॉफीज कर लिया था, तो रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है। तो ये आज के 6 टॉपिक्स हुए, 6 क्वेश्चंस हुए, इनके जवाब आपको इंस्टेंट देने हैं अगर आप इन्हें जान रहे हैं। याद रखें इनमें से काफ़ी क्वेश्चंस काफ़ी गूढ़ होते हैं, तो आप अगर 4 क्वेश्चंस भी सही करते हैं तो हम मानेंगे कि आपने पढ़ा है, स्टडी किया है, थोड़ा बहुत रिवाइज भी किया है। चलिए आज के 10 क्वेश्चंस, पहला क्वेश्चन हिस्ट्री के गुप्तकाल से ही हमने उठाया है, चूंकि गुप्तकाल रूलर्स हमने किया है, प्रशासन हमने छोड़ दिया था, हमने कहा था कि सेकंड टॉपिक में प्रशासन करेंगे, तो आज हम लोग गुप्तकालीन प्रशासन करेंगे, इसमें सामाजिक व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था, धार्मिक, सांस्कृतिक, ये सारी व्यवस्थाएं हम लोग करेंगे। तो गुप्तकाल का ये टॉपिक होगा आज, गुप्तकालीन प्रशासन। इसमें आपको ध्यान रखना है कि गुप्तकाल के में अधिकारियों के नाम क्या क्या थे, कुछ अधिकारियों के नाम पूछिए, दंडपाशिक कौन था, उपरी क्या था, महादंड नायक क्या था, तो ये सब आपको समझना है। सामाजिक, इस वक्त सामाजिक जीवन में काफ़ी परिवर्तन देखने को मिला, तो ये भी आप पढ़ेंगे, साथ ही धार्मिक जीवन में त्रिमूर्ति का कंसेप्ट, ब्रह्मा विष्णु महेश इसी समय आया, तो थोड़ा सा रिलीजियस लाइफ को भी पढ़ेंगे। आर्थिक जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है, चारागाह भूमि को क्या कहते थे, बंजर भूमि को क्या कहते थे, ये सब आपको मस्ट है करना है। टैक्स सिस्टम क्या था गुप्तकाल में, इसे आपको करना चाहिए कि टैक्स सिस्टम क्या था, साथ ही गुप्तकाल में मंदिरों को, जैसे कि
लक्ष्मण मंदिर कहाँ था, विष्णु मंदिर कहाँ था, भितरगांव मंदिर किस लिए प्रसिद्ध है, तो इस वक्त मंदिरों के बारे में भी और गुप्तकालीन कला अजंता आर्ट्स क्या था उसे भी आप पढ़ेंगे। तो गुप्तकाल प्रशासन से संबंधित ये बड़े महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, इन्हें आपको पूरा टाइम देकर पढ़ना होगा, पढ़ना चाहिए। एक इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक इस 10 में से है। चलिए आज का दूसरा टॉपिक हमने दिल्ली सल्तनत से लिया है। दिल्ली सल्तनत, आप जानते होंगे कि भारत में जो मुस्लिम शासन है दो भागों में बटा हुआ है। 12वीं शताब्दी से लेकर ब्रिटिश काल के तक भारत में मुस्लिम शासन रहा, यानी दिल्ली सल्तनत और मुगलों का शासन। शुरुआती जो पीरियड रहा उसमें दिल्ली में शासकों ने जो शासन किया उन्हें वे अपने आप को सुल्तान कहते थे, इसलिए दिल्ली सल्तनत कहते हैं। ये सब दिल्ली में थी, दिल्ली में ही रहकर शासन करते थे। बाद में जब मुगल आए तो राजधानी दिल्ली से आगरा, कभी इलाहाबाद, कभी लाहौर बदलती रही, कभी फतेहपुर सीकरी। तो ये बड़े कारण थे। यहाँ पर आपको दिल्ली सल्तनत में पढ़ना है गुलाम वंश, यानी मामलूक वंश भी इसे कहते हैं, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन, साथ में रजिया सुल्तान। तो ये आप करेंगे मामलुक वंश यानी गुलाम वंश दिल्ली सल्तनत का करना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आपको ध्यान देकर कंप्लीट करना होगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सौरमंडल के में ही, नेक्स्ट सौरमंडल के बाद पृथ्वी की गतियां, जो ज्योग्राफी का वर्ल्ड ज्योग्राफी का टॉपिक है, ये जो अर्थ का जो रिवॉल्यूशन रोटेशन है ये आपको पढ़ना है। पृथ्वी की गतियां यानी मोशंस ऑफ द अर्थ, क्या भारत में जो विश्व का हमारी पृथ्वी का किस तरह का गति है अपने अक्ष पर, और सूर्य के चारों ओर किस तरह से पृथ्वी चक्कर लगाती है, इसे आपको पढ़ना है। यानी पृथ्वी की गतियां, रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन, इसे आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आपको ध्यान से पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट है ज्योग्राफी का टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, भारत की नदियां। इंडियन ज्योग्राफी में हम लोग भारत की नदियां करेंगे, रिवर्स ऑफ इंडिया, इसे आप बहुत ध्यान से पढ़ें। इसमें क्या पढ़ेंगे, इसमें तीन रिवर सिस्टम है, इसे आपको पढ़ना चाहिए, गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु। ये तीनों नदियां बड़ी नदियां हैं जो एक सिस्टम बनाती हैं, तंत्र अपना स्थापित करती हैं सहायक नदियों के रूप में, और इनकी सब्सिडियरी और डिस्ट्रीब्यूटरीज। तो इसे आपको पढ़ना है कि इनकी कौन कौन सी सहायक नदी है, कहाँ से ये निकलती हैं, कहाँ गिर जाती हैं, बीच में कौन सी किसकी सहायक नदी है, ये आपको जानना है। कई बार सहायक नदी के बारे में पूछ दिया जाता है कि नर्मदा किसकी सहायक नदी है, केन, बेतवा, चंबल किसकी सहायक नदी है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो इस तरह से सहायक नदियों को आपको पढ़ना है, पूरा रिवर सिस्टम को पढ़ना चाहिए। शॉर्ट में दिया हुआ है, गाइड बुक की ये विशेषता है, तीन पेज में रिवर आपके समाप्त हो जाएंगे, इतना काम चल जाएगा कि एग्जाम में क्वेश्चन संभवतः बन जाएगा। नेक्स्ट आइए, रेडियो सक्रियता, रेडियो एक्टिविटी, ये मॉडर्न फिजिक्स से, केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों का ये टॉपिक है, फिजिक्स में मॉडर्न फिजिक्स में ये टॉपिक मिल जाता है, केमिस्ट्री में रेडियो एक्टिविटी यानी रेडियो सक्रियता, अल्फा बीटा गामा रेस किस तरह से निकलता है, कौन से धातु हैं जिनसे इस जो रेडियो एक्टिव हैं इनके आविष्कार को भी आपको समझना चाहिए। तो ये रेडियो सक्रियता पढ़ें और इनकी विशेषताएं क्या है, अल्फा जो रेज है वो किस तरह से निकलती है, बीटा रेज निकलती है, क्या मास में डिफरेंस आ जाता है, परमाणु संख्या में क्या परिवर्तन आ जाता है अगर एक अल्फा जो पार्टिकल है वो निकल जाता है किसी भी एलिमेंट से। तो ये ध्यान रख कर करके आप समझ के पढ़ने का प्रयास करें। नेक्स्ट आइए, संसद में हम लोगों ने आज राज्यसभा लिया, कल हम लोगों ने लोकसभा किया था, ये दरअसल रिपीट हो रहा है, चूंकि ये बहुत शुरू में लोकसभा राज्यसभा हम लोगों ने पहले ही किया था, फिर भी इसे हम फिर से आप लोगों को दे रहे हैं, आप इसे राज्यसभा करें। राज्यसभा में डिटेल्स, कब स्थापना हुई राज्यसभा की, पहला चुनाव जब हुआ, पहला इसका जो पहली बैठक कब हुई, राज्यसभा कौन चलाता है, राज्यसभा में मिनिमम एज क्या है, कौन लोग राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं, किस राज्य से राज्यसभा की सबसे अधिक सीटें हैं, ये सब आप करेंगे राज्यसभा में। नेक्स्ट आइए, वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन, देखिए ये इकोनॉमी और पॉलिटी दोनों का ये एक तरह से टॉपिक हो जाता है, तो दरअसल इसे हमने इकोनॉमी के टॉपिक के रूप में इंक्लूड किया है, दरअसल ये पॉलिटी का भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है लेकिन इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है, तो इकोनॉमी के टॉपिक के तौर पर इसे हमने इंक्लूड किया है। फाइनेंस कमीशन, कब इसकी स्थापना हुई, ये क्या करता है, अभी कौन सा वित्त आयोग चल रहा है,
क्या कार्यकाल इसका होता है, कौन इसकी नियुक्ति करता है, कितने वर्षों के लिए वित्त आयोग के चेयरमैन नियुक्त होते हैं, तो ये सब आप करेंगे फाइनेंस कमीशन से। नेक्स्ट आइए ब्लड ग्रुप और आरएच फैक्टर। हम लोगों ने कल ब्लड का पूरा सिस्टम किया, किस तरह से पूरा ब्लड शरीर में मूव करता है एक जगह से दूसरी जगह, किस तरह से उसके फंक्शंस हैं, ऑक्सीजन कौन ले जाता है, ऑक्सीजन बाहर कौन निकालता है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये सब हमने पूरा देखा। अब यहाँ पर आपको ब्लड ग्रुप और आरएच फैक्टर पढ़ना है। साथ ही यहाँ पर ध्यान रखें कि माता पिता का, माँ बाप का ब्लड ग्रुप क्या होगा कि बच्चों में उसका अंतर या समान ब्लड ग्रुप दिखेगा, यानी माँ बाप के ब्लड ग्रुप से बच्चों में कौन सा ब्लड ग्रुप आएगा, ये भी करना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट, इसे आप अच्छे से करेंगे। नेक्स्ट आइए भारत के प्रमुख स्टेडियम, एक छोटा टॉपिक हमने इसमें डाल दिया, जो कि बड़े टॉपिक्स ऑलरेडी ऊपर आ गए, तो कल हम लोगों ने ट्रॉफी और कप्स किया था, उसी पेज पर बस उसके बगल में स्टेडियम यानी खेल के मैदान कौन से किस नाम से है, हम कहाँ पर ईडन गार्डन है, कहाँ पर बारामती स्टेडियम है, कहाँ अम्बेडकर स्टेडियम है, किसे युवा भारती स्टेडियम के रूप में हम जानते हैं, सुभाष चंद्र बोस इंडोर स्टेडियम कहाँ है, तो ये सब आप स्टेडियम में एक बार देख लेंगे। नेक्स्ट आइए बिहार में स्वतंत्रता संग्राम, देखिए बिहार का टॉपिक ये हमने लिया है, अब 1857 हमने छोड़ दिया है, एक बार हम लोगों ने किया है, अभी हम लोगों ने जो किया इससे पहले यूरोपियंस किस तरह से, अंग्रेज पुर्तगाली किस तरह से बिहार आए, पिछला टॉपिक था, उसके बाद 1857 आ जाता है, 1857 को हमने स्किप कर दिया, चूँकि ये टॉपिक हम लोग पीछे कर चुके हैं, यानी कुंवर सिंह वाला टॉपिक। अब हम लोग स्वतंत्रता संग्राम, फ्रीडम स्ट्रगल बिहार में 1885 के बाद, इसमें आपको स्वदेशी आंदोलन याद रखें, 1905-6 का स्वदेशी आंदोलन और क्रांतिकारी मूवमेंट जो चला 1905 से 15 के बीच में, ये आपको करना है, यानी बिहार में क्रांतिकारी मूवमेंट, इससे क्वेश्चन पिछली बार 63वीं में आया था कि बिहार में शाखा, क्रांतिकारी आंदोलन की शाखा दिया था और पूछ रहा था कि ये किसने स्थापित की थी, तो यहाँ पर रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट और स्वदेशी मूवमेंट 1905-6 का, ये दो टॉपिक बुक हमने दे दिया पेज नंबर, हम तो क्राउन का दे रहे हैं, चूँकि दूसरे बुक्स हमारे पास उस तरह से हैं नहीं, छात्रों के पास भी नहीं है, तो अगर आपके पास लूसेंट है तो आप लूसेंट से कर लें, या KBC नैनो है तो उससे कर लें, विवास है, इम्तियाज़ अहमद है, तो ये सब बिहार के स्पेशलाइज्ड बुक्स हैं, आपके पास जो भी है आप उससे पढ़ें, हम यहाँ पर आपको क्राउन के नंबर्स दे रहे हैं, चूँकि हमें लगता है कि ये ठीक ठाक इसमें दिया हुआ है। एनीवे नेक्स्ट टॉपिक उसके बाद आ जाता है महत्वपूर्ण खोज डिस्कवरीज, देखिए ये साइंस का टॉपिक है, इसमें जितने भी हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन कार्बन कैल्शियम, ये किस तरह से डिस्कवरीज इनकी हुई, मीथेन, तो ये सारे गैसेस एलिमेंट्स मेटल्स इनकी डिस्कवरीज को आपको पढ़ना है, ये एग्जाम में आ जाते हैं, हाइड्रोजन कई बार आ चुका है, कार्बन आ चुका है, कैल्शियम आ चुका है, सोडियम आ चुका है, तो ये सब आपको डिस्कवरीज करने चाहिए, एक दिन में नहीं होगा, आप ये ना सोचें कि एक दिन में ये सारे याद कर लेने हैं, इसे आपको ध्यान में रखना है कि रोज़ चार पाँच आपको याद करना होगा, मेमोराइज करना होगा। नेक्स्ट टॉपिक लास्ट टॉपिक प्रतियोगिता दर्पण, देखिए इसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय और आर्थिक हो चुका है, फरवरी 2018 का PD हम लोग कर रहे हैं, उसमें आज नवीनतम सामान्य ज्ञान यानी तीसरा वाला जो इसका सेक्टर है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय के बाद आर्थिक परिदृश्य होता है इकोनॉमी वाला, उसके बाद आता है नवीनतम सामान्य ज्ञान, तो ये सेक्शन आप करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सेक्शन, आप इसे ध्यान से जिनके पास भी है आप करें, और जिनके पास नहीं है वो प्रयास करें कि ये हो जाए किसी भी तरह से। वैसे अभी हम लोग अप्रैल मई तक आप थोड़ा सा लाइट इसमें रह सकते हैं, क्योंकि हम लोग एकदम एक साल पीछे से इसे कर रहे हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको लिबर्टी है, अगर नहीं मिल पा रहा है तो आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन जो कर लेंगे हो सकता है कि उन्हें एक आध प्रश्न का बेनिफिट मिल जाए, तो प्रतियोगिता दर्पण का नवीनतम करेंगे, तो इस तरह से ये 10 ऑल टुगेदर तो 12 हो गए, लेकिन हम इसे 10 टॉपिक्स कहते हैं, इसे क्राउन लूसेंट और यूनिक गाइड से आपको करना है, पेजेस सब के दे दिए गए हैं, इन्हें कंप्लीट करना है आपको। इसके बाद कल आपका 30 क्वेश्चंस का 5 ऑप्शन वाला 30 क्वेश्चंस भी आएगा, उसे भी आप बनाएंगे, अपना ध्यान रखें, रिवीजन करते रहें, टेक केयर।